सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम प्रमेय उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्यशास्त्र में षष्ठ अध्याय के 13, 14 और 15वें जो कारिका हैं आज हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 13वीं कारिका को देखते हैं। इसमें भरत मुनि निरुक्त के लक्षण को ही उल्लेखित कर रहे हैं, जिसका आधा भाग कल हमने पढ़ा था, उसी का निरुक्त का आधा भाग उसका लक्षण इसमें उल्लेखित है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। निरुक्त के लक्षण को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं। अस्तापितो अर्थो भवेद्यत्र समासेन अर्थसूचकः धातव अर्थवचने निरुक्तम तत् प्रचक्षते। निरुक्त के लक्षण को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या करें। अस्तापितो अर्थो भवेत् यत्र समासेन अर्थसूचकः धातव अर्थवचनेन निरुक्तम तत् प्रचक्षते। अन्वय इस तरह से होगा कारिका का। समासेन अर्थसूचकः अर्थ यत्र अस्तापितः भवेत् धातव अर्थवचनेह इह तत्र निरुक्तम प्रचक्षते। समासेन समासेन सम उत्सर्ग पूर्वक अस्तत्व ज्ञ प्रत्यय से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। समासेन अर्थ सूचक यानी संक्षेप में अर्थ का सूचक, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो संक्षेप में किसी अर्थ का सूचक हो, तथा यत् अर्थ यत्र अस्थापित भवेत् एवं धातव अर्थ वचन एवं नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक ऐसा संख्यतिक अर्थ यानी संक्षेप अर्थ जहाँ पर स्थापित हो यह तत्व निरुक्तम प्रचक्षते। इस प्रकार की उक्ति को यहाँ पर निरुक्त कहा जाता है। कल वाली जो कारिका में हमने देखा था उसी के अंतर्गत बताया था कि विविध नाम संज्ञाओं के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निघंटु यानी कोश एवं निगम यानी व्याकरण से अन्वित, और अगले में बता रहे हैं समासेन अर्थ सूचक यानी समास का अर्थ होता है धातु के अर्थमूलक से जो युक्त संक्षिप्त जो अर्थ का सूचक, तो समासेन अर्थ सूचक यानी संक्षेप में अर्थ का सूचक, तथा यत्र अस्थापित भवेद धातव अर्थवचने तथा नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक ऐसा संकेतिक अर्थ यानी संक्षिप्त अर्थ जहाँ पर स्थापित हो यह तथा निरुक्तम प्रचक्षते। इस प्रकार की उक्ति को यहाँ पर निरुक्त कहा जाता है। इस तरह से भरत मुनि इस कारिका में निरुक्त की जो लक्षण है उसको उल्लेखित कर रहे हैं। भरत मुनि के दृष्टिकोण में विविध नाम संज्ञाओं के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निघंटु यानी कोश एवं निगम यानी व्याकरण से अन्वित, धातु के अर्थमूलक हेतु से युक्त नाना सिद्धांतों से साधित यानी परीक्षित और संक्षेप में अर्थ का सूचक, तथा नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक ऐसा संक्षेपित अर्थ जहाँ पर स्थापित हो इस प्रकार की जो उक्ति है उसे निरुक्त कहा जाता है। और निरुक्त को ही क्या कहा जाता है, निरुक्त के द्वारा परीक्षा की जाती है। इस तरह से भरत मुनि ने यहाँ पर निरुक्त के लक्षण को उल्लेखित किया है, इसीलिए वह कह रहे हैं कि समासेन अर्थ सूचक यत्र अस्थापित यानी संक्षेप में अर्थ का सूचक, तथा धातव अर्थ वचने नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक ऐसा संकेतित अर्थ जहाँ पर स्थापित हो यह तत्व निरुक्त प्रचते। इस प्रकार की जो संक्षिप्त उक्ति होती उसे ही निरुक्त कहा जाता है। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। अस्तापितो अर्थो भवेद अत्र समासेन अर्थ सूचकः धातव अर्थवचनेन निरुक्तम तत् प्रचक्षते। यानी समासेन अर्थ सूचक यानी संक्षिप्त में अर्थ का सूचक, तथा धातव अर्थवचनेन नाम एवं धातु के अर्थ का समर्थक ऐसा संकेतिक अर्थ जहाँ पर स्थापित हो यह तत् निरुक्तम प्रचक्षते। यानी इस प्रकार की उक्ति को ही निरुक्त कहा जाता है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय की 14वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में भरत मुनि संग्रह की विस्तृत व्याख्या का प्रतिपादन कर हमें भूमिका के रूप में बता रहे हैं कि मैंने इससे पूर्व आप सभी ऋषिगणों को संग्रह की संक्षिप्त में उसके कथन को बताया, अब मैं संग्रह सहित
लक्षण तथा परीक्षा यानी कार्य का और निरुक्त का विस्तृत वर्णन आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर आपकी जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूँ। तो इसी का उल्लेख भरत मुनि ने उक्त कालिका में किया है। मैं कालिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। संग्रह की विस्तृत व्याख्या का प्रतिपादन कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं इस उक्त कालिका में। संग्रह यो मया प्रोक्तः समासेन द्विजो उत्तमा विस्तरं तत्र तस्य वक्ष्यामि स निरुक्तं स कारिकम्। क्या कह रहे भरत मुनि, संग्रह यो मया प्रोक्तः समासेन द्विजो उत्तमा विस्तरं तस्य वक्ष्यामि स निरुक्तं स कारिकम्। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा, हे द्विज उत्तमा मया समासेन यह संग्रह प्रोक्त तस्य स कारिका स निरुक्तम विस्तरम वक्ष्यामि। हे द्विज उत्तमा, द्विज ब्राह्मण, द्विज उत्तमा यानी उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ जन, यानी हे श्रेष्ठ ब्राह्मण जन, मया समासेन यानी मेरे द्वारा, समासेन संक्षिप्त कथन यानी मेरे द्वारा संक्षेप में, यह संग्रह यानी जो संग्रह प्रोक्त यानी कहा गया है, तस्य स कारिकम उसी का मैं अब स कारिकम यानी उसी का मैं कारिका यानी लक्षण तथा स निरुक्तम निरुक्त यानी परीक्षा सहित विस्तरम वक्षामि यानी विस्तृत वर्णन आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक साथ कारिका के अर्थ को देखिए, हे द्विज उत्तमा यानी हे श्रेष्ठ जन ब्राह्मण जन, मया समासेन यानी मेरे द्वारा संक्षेप में जो यह संग्रह यानी जो संग्रह प्रोक्त यानी कहा गया, तस्य स कारिकम उसी का मैं अब स कार्यक्रम यानी लक्षण सहित तथा स निरुक्तम यानी निरुक्त सहित यानी लक्षण यानी कारिका सहित निरुक्त यानी परीक्षा सहित विस्तर पक्षा में यानी मैं विस्तृत वर्णन अब आपके सामने प्रस्तुत कर आप सभी ऋषि गणों की जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूँ। यानी नाट्य शास्त्र का आचार्य भरत मुनि उपस्थित जिज्ञासु महर्षियों को कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ जन ज्ञान के पिपासु, मैंने आपके समक्ष संग्रह का कथन किया है, अर्थात नाट्यशास्त्र के संग्रह यानी उद्देश्य के जो 11 कथन हैं, रस भाव अभिनय धर्मी वर्ती प्रवर्ति सिद्धि स्वर आत्योद्य यानी वाद्य यंत्र गान एवं रंग, इनका नाम मात्र से कथन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आपके प्रबोधनार्थ संग्रह के इन 11 अंगों का विस्तृत लक्षण करते हुए उनकी परीक्षा का भी विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर मेरी बातों का श्रवण करें। यानी यहाँ पर उद्देश्य को ही संग्रह, लक्षण को ही कारिका तथा परीक्षा को ही निरुक्त कहा जाता है, जो हमने इससे पूर्व वाली कारिकाओं में इसका अध्ययन किया था। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। संग्रह यो मया प्रोक्त समासेन द्विजो उत्तमा विस्तरम तस्य वक्ष्यामि स निरुक्तम स कारिकम। हे द्विज उत्तमा यानी हे श्रेष्ठ ब्राह्मण जन, मया समासेन यानी मेरे द्वारा संक्षेप में यह संग्रह यानी जो संग्रह कहा गया है स कारिकम, और उसी जो अब मैं स कारिकम यानी लक्षण सहित कारिका और स निरुक्तम यानी परीक्षा सहित निरुक्त आदि का विस्तृत वर्णन आप सभी श्रेष्ठ जनों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी एकाग्रचित ध्यानपूर्वक मेरे इस ज्ञान रूपी बातों पर श्रवण करें। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र नाट्य एवं नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय के 15वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि नाट्य के अष्ट रसों का प्रतिपादन इस उक्त कारिका में उल्लेखित कर बता रहे हैं कि नाट्य में अष्ट जो रस होते हैं उनका समावेश नाट्य शास्त्र में किया जाता है, तो उसी की भूमिका के रूप में इस कारिका को उल्लेखित किया गया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। नाट्य के अष्ट रसों का प्रतिपादन कर भरत मुनि क्या करें हैं। श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संयोच इति अष्टो नाट्ये रसाश्रिता। क्या कह रहे भरत मुनि, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संयोच इति अष्टो नाट्ये रसाश्रिता। परीक्षा उपयोगी ही कारिका है, परीक्षा में पूछी भी जाती है। श्रृंगारे हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संयोच इति अष्टो नाट्ये रसाश्रिता। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा, नाट्ये
श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्स च अद्भुत संज्ञो इति अष्टो रसाश्रमिता। नाट्य यानी नाट्य में श्रृंगार हास्य करुणा यानी नाट्य में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका यानी रौद्र वीर भयानक विभत्स च अद्भुत संज्ञो विभत्स तथा अद्भुत संज्ञो इति अष्टो रसाश्रमिता। अद्भुत यानी कि अष्ट संज्ञक रूपक के आठ रस इस नाट्य शास्त्र में समाहित होते हैं। यानी भरत मुनि के दृष्टिकोण में नाट्य में कितने रस समाहित किए गए, आठ रस समाहित किए हैं। भरत मुनि आठ रस मानते हैं, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में पूछा भी जाता है। यानी भरत मुनि के मतानुसार नाट्य में आठ रस ही माने गए। इस नाट्य शास्त्र में आठ रसों का ही उल्लेख है, लेकिन अभिनव गुप्त जो इस नाट्य शास्त्र के टीकाकार है, जिन्होंने अभिनव भारती टीका लिखी है, उन्होंने नवा रस और भी माना शांत, तो उन्होंने उसको उल्लिखित किया है। भरत मुनि के दृष्टिकोण में परीक्षा में पूछा जाए तो आठ रस ही माने गए हैं और अभिनव गुप्त के दृष्टिकोण में नौ रस माने जाते हैं। एक बार पुनः कारिका का अध्ययन करते हैं कि नाट्य श्रृंगार हास्य करुणा यानी नाट्य में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक का रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत संयोग यानी विभत्स तथा अद्भुत इति अष्टो रसाश्रमिता यानी ये अष्ट रस समाहित होते हैं। यानी भरत मुनि के दृष्टिकोण में नाट्य शास्त्र में आठ रसों को समाहित किया गया, इन आठ रसों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि संग्रह के जो ग्यारह अंग हैं, रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति स्वर वाद्य ज्ञान एवं रंग, इनमें सबसे पहले वे रस को बता रहे हैं। रस किसे कहा जाता है, रस की सामान्य परिभाषा है रस्यते आस्वादते इति रसः, यानी जिसका आस्वादन किया जाए, जिसे आनंद प्राप्त हो, वही रस कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने रस की परिभाषा बताते हुए बताया है कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगार्थ रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस की निष्पत्ति में विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का सम्मिश्रण ही रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। नाट्य के संदर्भ में देखें तो नाट्य अभिनव भारती टीकाकार अभिनव गुप्त के अनुसार नट द्वारा प्रदर्शित अभिनय के फल स्वरूप साक्षात रूप से दृश्यमान अर्थ नाट्य कहलाता है। यानी जिस रंगमंच पर नट के द्वारा अपनी कार्य कुशलता से अपने अभिनय के द्वारा फल स्वरूप साक्षात रूप से दृश्यमान को दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, अर्थ प्रस्तुत किया जाता है, तो वही नाट्य कहलाता है। उन्होंने रस को ही नाट्य कहा है, रस एवं नाट्यम तथा नाट्य को ही रस कहा है, नाट्य एवं रस। ये भरत अभिनव गुप्त के टीकाकार है, अभिनव गुप्त के अनुसार है, उन्होंने रस को ही नाट्य कहा है और नाट्य ही रस है। भरत मुनि के अनुसार किसी भी नाटक में आठ रस होते हैं, इनमें एक अंगिरस होता है तथा अन्य अंगरस उसमें समाहित होते हैं। आठ रस होते हैं तथा आठ ही रसों के आठ अस्थायी भाव होते हैं, जो भाव रस के आस्वादन पर्यंत अविच्छिन्न रूप से स्थिरता पूर्वक विद्यमान रहते हैं या अवस्थित रहते हैं, वे ही अस्थायी भाव कहलाते हैं। यानी रसावथम परभाव अस्थायिता प्रतिपद्यते, रस और उनके भावों को अगर हम देखें तो जिसे श्रृंगार रस है इसका अस्थायी भाव रति होगा, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होगा, करुण का अस्थायी भाव शोक होगा, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होगा, वीर का अस्थायी भाव उत्साह होगा, भयानक रस का अस्थायी भाव भय होगा, विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा और अद्भुत का अस्थायी भाव विस्मय होगा। रस निष्पत्ति प्रक्रिया में विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से जब अस्थायी भाव जागृत होता है तो वह रस का रूप धारण कर लेता है। यानी रस निष्पत्ति प्रक्रिया में भरत मुनि ने बताया है कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगार्थ रस निष्पत्ति है, यानी विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से जब अस्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वह रस का रूप धारण कर लेता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है तो उसमें शकुंतला क्या है, शकुंतला विभाव यानी उसकी चेष्टा है, शकुंतला विभाव है और उसकी चेष्टाएं जो अनुभाव है उसको देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष नामक व्यभिचारी यानी संचारी भाव उत्पन्न हो जाता है, फलतः दुष्यंत के हृदय में सोया हुआ रति नामक जो अस्थायी भाव है वह जागृत होकर श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। यह रस निष्पत्ति प्रक्रिया का हमने उदाहरण का देखा है, कैसे कि शकुंतला जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटिका है वह विभाव है और उसकी चेष्टाएं
जो भी उसकी चेष्टा है वही अनुभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव और उद्दपिन विभाव दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो वो विभाव हो गया, फिर चेष्टा एक कायिक वाचिक आंगिक सात्विक होती है। उनको देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष नामक जो व्यभिचारी जो संचारी भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। फलतः दुष्यंत के हृदय में जो सोया हुआ प्रतिभाव है अस्थि भाव जागृत हो जाता है और श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार हास आदि अस्थि भाव भी जागृत होकर हास्य आदि रस का रूप धारण कर लेते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को नवम रस माना है तथा निर्वेद वैराग्य को शांत रस का अस्थि भाव कहा है। और अभिनव गुप्त ने इस नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय के अंत में शांत रस को ही प्रधानता दी है, उसी को श्रेष्ठ रस प्राधान्य रस प्रतिपादित किया है। इस तरह से इस कारिका में हमने भरत मुनि के द्वारा उल्लेखित जो आठ रस है नाट्यशास्त्र में उसका अध्ययन किया। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर अधिकोण देते हैं। क्या कह रहे भरत मुनि अष्ट रसों को उल्लेखित कर, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्रवीर भयानका विभस अद्भुत संयोज इति अष्टो नाट्ये रसाश्रिता। यानी नाट्य में श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानका रौद्रवीर भयानक विभस अद्भुत संयोज विभस तथा अद्भुत इति अष्टो रसाश्रिता। ये आठ रस समाहित होते हैं, आठ रस का प्रयोग नाट्यशास्त्र में किया जाता है।